हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और गुजरात के वलसाड और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज स्पेसिफिकली बात करेंगे कुकिंग ऑयल्स के बारे में। कुकिंग ऑयल्स बेसिकली क्या है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों कुकिंग ऑयल्स का सिलेक्शन ज़रूरी है, कौन से ऑयल्स को आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऑयल्स को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आज की लिस्ट में सारे कुकिंग ऑयल्स के बारे में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि कौन से कुकिंग ऑयल्स अच्छे हैं बुरे हैं। ऑलरेडी हमने उस बारे में सेपरेट कई वीडियोज़ किए हैं जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल बेसिकली क्या होता है और उसमें कौन सी प्रॉपर्टी को हमें देखना चाहिए जिससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कुकिंग ऑयल को हम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और 3-4 कुकिंग ऑयल्स जो कॉमनली रिकमेंडेड हैं या 3-4 कुकिंग ऑयल जो कॉमनली मना है कुकिंग के लिए यूज़ करना, उस बारे में बात करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसमें एक इंटरेस्टिंग कंटेंट भी मिले। कुकिंग ऑयल बेसिकली बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारी इंडियन डाइट में, तो ज़्यादातर चीज़ें फ्राइड होती है, ज़्यादातर चीज़ें हम तली हुई ही खाते हैं। वेस्टर्न में कंपैरेटिवली वेस्टर्न डेटा में बहुत ज़्यादा वो लोग फ्राइड चीज़ें नहीं खाते हैं, वो ज़्यादा बेक चीज़ें या माइक्रोवेव की भी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो उनके लिए कुकिंग ऑयल का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितना एक इंडियन फैमिली में डे टू डे बेसिस पे कुकिंग ऑयल का जितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुकिंग ऑयल क्या होता है, कैसे उसका सिलेक्शन करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है उसमें, स्मोक पॉइंट वगैरह की साइंटिफिक चीज़ें क्या होती है, उस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली हमने डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर के इंग्लिश के नाम से एक नया चैनल स्टार्ट किया है, उसमें हम यही कंटेंट्स को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे इंटरनेशनल व्यूअर्स और फ्रेंड्स जो इंग्लिश भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल है उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। आते आज का टॉपिक पर। रिसेंटली हमने ऑयल्स के बारे में कुछ वीडियोज़ प्रोड्यूस किए थे, बहुत ज़्यादा उस पर क्वेरीज आई, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमें आए, बहुत ज़्यादा लोगों का कंसर्न हमें दिखा, इसलिए हमने इस बारे में उसके बाद वो वीडियो करने के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा इस बारे में आर्टिकल्स देखे और काफ़ी ज़्यादा जो डेटा अवेलेबल था उनका अध्ययन किया, तो उससे मुझे कुछ और वीडियोस के लिए इंस्पिरेशन मिला। राइस ब्रैन ऑयल के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिक अलग वीडियो किया है, और आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुकिंग ऑयल क्या है और इसमें क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कौन सी ऑयल को हमें कुकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। आई होप आप ये टॉपिक इंटरेस्टिंग आपको लगेगा और आप एंड तक से देखेंगे। बेसिकली कुकिंग ऑयल में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसे स्मोक पॉइंट बोलते हैं। स्मोक पॉइंट मतलब किस लेवल ऑफ टेम्परेचर पर वो ऑयल डीनेचर हो जाता है या सड़ जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, टूटने लग जाता है। इस लेवल पर ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है, फ्री रेडिकल्स आने लगते हैं, सब्सटेंस ख़राब हो जाता है। उस लेवल के बियॉन्ड अगर आप ऑयल को यूज़ करते हैं तो वो सड़ जाता है एक तरह से, और उसमें एक स्मेल आने लगती है। एक एक्रोलिन करके सब्सटेंस होता है जिससे एक बर्न्ड फ्लेवर आता है, और ये सब्सटेंस को अगर आप इनहेल भी करते हैं, एयरबॉर्न एक्रोलिन अगर आपके लंग्स में जाता है तो वो कैंसर भी कर सकता है, लंग्स के लिए डेंजरस है, इसलिए डीनेचर्ड ऑयल्स नहीं लेने चाहिए। कई बार कई रोड साइड स्टॉल्स वगैरह में भी आपने देखा होगा बहुत समय तक एक ही ऑयल से जब वो सब्ज़ी हम और ये इसको कुक करते हैं, खासकर नूडल्स वगैरह के स्टॉल्स पर मैंने काफ़ी बार देखा है कि एक ही ऑयल में वो कंटिन्यूसली बनाते हैं और सर्व करते हैं, फिर उसी ऑयल में फिर डाल के फिर बनाते हैं सर्व करते हैं, बार बार उसी ऑयल को हीट करते हैं और उसमें कुकिंग करते हैं, तो उससे ऑयल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगती है। ये स्मेल एक्रोलिन की है और ये स्मेल शो करती है कि वो ऑयल इतना ज़्यादा बार बर्न हो चुका है, इतना ज़्यादा डीनेचर हो चुका है कि उसमें कुकिंग नहीं होनी चाहिए, उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। पर ऑब्वियसली अपने आप पे काफ़ी लोग उस ऑयल को रीयूज़ करते रहते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसे ऑयल से बनी हुई चीज़ों को खाने से हेल्थ ख़राब हो सकती है। इसके अलावा स्मोक पॉइंट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिफाइंड और अनरिफाइंड ऑयल्स में क्या डिफरेंस है। यूजली रिफाइंड ऑयल जो होते हैं उनका कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव कम रहते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होने की वजह से वो ऑयल कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरह से स्टेबल रहते हैं, सड़ते नहीं है, सेंसिटिव हीट से नहीं रहते, न्यूट्रिएंट्स उसमें कम रहता है। लेकिन अनरिफाइंड ऑयल्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने के बावजूद भी वो हीट के एक्सपोजर में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका मतलब डीनेचर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। रिफाइंड ऑयल्स के कंपेरेटिवली स्मोक पॉइंट बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिफाइंड ऑयल्स, इसीलिए मुझे
भी रिसेंटली अभी मेरे लास्ट वीडियो में भी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि रिफाइंड ऑयल बहुत ख़राब है, बहुत वो है, तो मैंने उस बारे में रिसर्च करने की कोशिश करी थी कि रिफाइंड और अनरिफाइंड ऑयल्स में एक्चुअल में जो डेटा है क्या वो सही है कि रिफाइंड ऑयल बहुत ही ख़राब है। रीज़न ये कि दोनों के अपने प्लस माइनसेस हैं। अनरिफाइंड ऑयल्स में आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे मिलेगा, ज़्यादा अच्छा नेचुरल कंटेंट मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का, लेकिन वो ऑयल स्टेबल नहीं है, वो ऑयल डीनेचर ज़्यादा हो सकता है, कुकिंग में आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम करेगा वो ऑयल में, क्योंकि प्रोसेसिंग होने की वजह से उसका स्मोक पॉइंट बढ़ जाता है। तो अगर बार बार आप उसको यूज़ करके कुकिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ऑयल का ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। अनरिफाइंड ऑयल्स के सड़ने का, ख़राब होने का, रैंसिड या कड़वा होने का चांस कंपेरेटिवली फाउल स्मेल प्रोड्यूस करने का, सड़ जाने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अनरिफाइंड ऑयल्स में वो प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, तो इसलिए वो गर्मी के एक्सपोजर में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ जानना समझना इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रेट अवे कह देना कि रिफाइंड ऑयल्स ख़राब है और अनरिफाइंड ऑयल्स अच्छे हैं वैसा नहीं है, दोनों के अपने प्लसेज एंड माइनसेज हैं। किस तरह की कुकिंग आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, कितना टेम्परेचर पर आप कुकिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, रिफाइंड ऑयल्स में लेकिन एक प्रॉब्लम है कि उसमें दो तरह के रिफाइंड ऑयल्स आते हैं। एक रिफाइंड ऑयल्स में केमिकल सॉल्वेंट्स को यूज़ किया जाता है जिसे हॉट प्रेस्ड ऑयल्स बोलते हैं, और एक ऑयल होता है जिसे डायरेक्टली आप सीड्स को दबा करके ठंडे लेवल पर बिना गर्म किए उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल को किया जाता है। तो काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को बनाते हैं। रिसेंटली इस बारे में भी हमें लोगों ने पूछा था कि कोल्ड प्रेस्ड और हॉट प्रेस्ड ऑयल में क्या डिफरेंस होता है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का मतलब यह है कि ऑयल को आप गर्म नहीं करते, केमिकल सॉल्वेंट्स नहीं यूज़ करते, जबकि हॉट प्रेस्ड ऑयल में आप केमिकल सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स में एक ये भी चक्कर है कि केमिकल सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और वो केमिकल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, वो कितने अच्छे हैं कितने नहीं, कह पाना मुश्किल है। इसलिए रिफाइंड ऑयल्स के लिए थोड़ा सा मैं भी डाउटफुल हूँ कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँ, क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स के लिए डेटा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कुछ बातें अच्छी है, कुछ बातें ख़राब है। डीनेचरिंग वगैरह का चांसेस कम है, सड़ने का या रैंसिड होने का चांस कंपेरेटिवली कम है, केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोसेसिंग ज़्यादा हो रही है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कम है, तो वो उनकी बुराई है। दोनों के अपने प्लसेज एंड माइनसेस हैं। इसके अलावा अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन से ऑयल्स अच्छे हैं कुकिंग के हिसाब से। सबसे पहले ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल वैसे तो बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह में यूज़ होता है। इसमें विटामिन ई का कंटेंट अच्छा है, ओलिक एसिड, एक मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसके एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी है जैसे ओलिकैंथल और ओलिप्यूरिन, ओलिरोपिन, इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है जो एलडीएल लेवल्स को कम करते हैं और इसको ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल को नहीं होने देते। गार्निशिंग वगैरह के लिए बहुत कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, कोल्ड ड्रेसिंग्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक इशू ये है कि इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 176 डिग्री सेंटीग्रेड का स्मोक पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको इसमें कुकिंग करनी हो तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि डीनेचर होने का चांस ज़्यादा है। तो इसलिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये यूज़ आप कर सकते हैं, गार्निशिंग वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टीज़ कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छी है। अगर आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक इसमें कुकिंग करनी है या बहुत ज़्यादा आप इसको मल्टीपल टाइम्स कुकिंग करनी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स पे कुकिंग करनी है, तो इसका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 176 डिग्रीज़ का है, तो उतना अच्छा नहीं है, डीनेचर होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। नेक्स्ट है एवोकाडो ऑयल। ये अच्छा ऑयल है, ये इसमें एक हीट स्मोक पॉइंट ज़्यादा अच्छा है, 520 डिग्री फ़ारेनहाइट या 271 डिग्री सेंटीग्रेड का स्मोक पॉइंट है। टेस्ट इसका उतना ख़राब नहीं है, न्यूट्रल टेस्ट है, एवोकाडो फ्रूट के जैसा टेस्ट है, न्यूट्रिशनल भी है जिसमें हेल्दी फ्री फैटी एसिड ओलिक एसिड रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल लेवल्स को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए बेटर है, जॉइंट पेन्स को कम करता है, जॉइंट्स की सूजन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बेटर करता है। लो लेवल पर टेम्परेचर्स पर अगर इसको हीट करते हैं और कुकिंग करते हैं इसकी काफ़ी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ भी रिटेन होती है इसमें, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम बस वही है कि इसको कुकिंग वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा लोग सबको पसंद आता है, वैसा ज़रूरी नहीं है स्पेसिफिक इसका टेस्ट होता है। इंडिया में कंपेरेटिवली कम यूज़ होते मैंने देखा है या सुना है, क्योंकि ये इसमें कंपेरेटिवली जो इसका फ्लेवर या टेस्ट है वो इंडियन रेसिपीज़ के हिसाब से लोग को शायद कम पसंद आता है। नेक्स्ट ऑयल है सिसम ऑयल। सिसम ऑयल का मीडियम लेवल का स्मोक पॉइंट है, यानी कि 410 डिग्री फ़ारेनहाइट या 210 डिग्री सेंटीग्रेड का स्मोक पॉइंट है। इसमें हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जिसे सेसामोल और सेसामिनॉल रहते हैं। इसके काफ़ी न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स रहते हैं, कुछ डिजीज जैसे पार्किंसन डिजीज वगैरह में भी अच्छा है,
और डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में भी कुछ छोटी स्टडीज़ है, एक 46 पेशेंट्स की स्टडी है जिसमें टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में उन्होंने ये ऑयल यूज़ किया था और उसमें उन्होंने ये पाया कि बायोमार्कर्स का लेवल अच्छा था और शुगर लेवल्स का मैनेजमेंट कंपेरेटिवली अच्छा था। अगेन बहुत बड़ी स्टडी नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगा कि डायबिटीज़ में आपको सीसम ऑयल ही लेना है, लेकिन ये अच्छी ऑयल है कंपेरेटिवली। इसमें जनरल पर्पज़ पर कुकिंग और सैलड के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक नटी फ्लेवर रहता है जो कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। एक नेचुरल ऑयल या रेगुलर सेसम ऑयल और टोस्टेड सेसम ऑयल में डिफरेंस होता है। टोस्टेड सेसम ऑयल में नटी फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो गार्निशिंग या फिनिशिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल या रेगुलर सेसम ऑयल। सेसम ऑयल नेचुरल वाला जो है वो कुकिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है, टोस्टेड वाला गार्निशिंग के लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट ऑयल है सफ्लावर ऑयल यानी कुसुम तेल। इसमें स्मोक पॉइंट अच्छा है, 5110 डिग्रीज फारेनहाइट या 265 डिग्री सेंटीग्रेड का स्मोक पॉइंट है। ये सफ्लावर प्लांट से बनाया जाता है, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा है। इन्फ्लेमेशंस के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर के लेवल के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स और डायबिटीज़ में वाले पेशेंट्स में अच्छा है। इसमें एक न्यूट्रल फ्लेवर रहता है जिसको आप सॉसेज और ये सब चीज़ों में, बारबेक्यू वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ईजिली अवेलेबल है सफ्लावर ऑयल। जो कॉमनली हम सनफ्लावर ऑयल, जो कॉमनली हम सफोला ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, वो सफ्लावर ऑयल प्लस राइस ब्रैन ऑयल का मिक्सचर है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयल बुरा नहीं है, हेल्दी है और स्मोक पॉइंट भी अच्छा है, तो इसको काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्किन में मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें विटामिन ई और मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसलिए कंपेरेटिवली थोड़ा हेल्दी है। अब बात करेंगे कौन से 4-5 तरह के ऑयल है जो आपको नहीं यूज़ करने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी ऑयल में अगर स्मोक पॉइंट कम है उसको नहीं यूज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन है फिश ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाला ऑयल या एल्गे ऑयल। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है लेकिन ये सिर्फ ठंडा खाने के लिए ही बनाया गया है, गार्निशिंग के लिए बनाया गया है, इसको अलग से टैबलेट्स की तरह से लेना है, इसको कुकिंग के लिए नहीं यूज़ करना है। इसको आप कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो डीनेचर हो जाएगा, इनका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, ये पूरी तरह से ख़राब हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, आपका खाना भी ख़राब हो जाएगा, टेस्ट भी बिगड़ जाएगा और ये कोई भी यूजफुल नहीं रहेगा। तो फिश ऑयल को डेफिनेटली कुकिंग के लिए नहीं यूज करना है। नेक्स्ट ऑयल है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल में भी स्मोक पॉइंट बहुत कम है, 225 डिग्री फारेनहाइट और 107 डिग्री का स्मोक पॉइंट है, यानी जरा भी आपने 100 डिग्री से ऊपर गर्म किया तो ऑयल डीनेचर हो जाएगा और आप इसको कोल्ड ड्रेसिंग्स या सैलड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए नहीं करना है, कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे अल्फा लिनोइक एसिड रहता है तो हेल्थ के लिए अच्छा है अगर कोल्ड उसमें यूज़ करें तो, लेकिन ये कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट ऑयल है पाम ऑयल। पाम ऑयल में भी कैलोरी डेंस रहता है, ये बहुत सस्ता मिलता है इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिया में मार्केट होता है, मलेशिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंपोर्ट होता है, बहुत सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं पाम ऑयल यूज़ होता है, लेकिन कैलोरी डेंस चीज़ है और इसमें पाम ऑयल जो है कंपेरेटिवली हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं माना गया है, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। जो ख़राब ऑयल्स हैं उसमें पाम ऑयल को गिना जाता है। नेक्स्ट ऑयल है वॉलनट यानी अखरोट का ऑयल। इसमें अल्फा लिनोइक एसिड और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन इसके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि स्मोक पॉइंट काफ़ी कम है, यानी 320 डिग्री फारेनहाइट और 160 डिग्री सेल्सियस का स्मोक पॉइंट है, इसलिए इसको भी आप ड्रेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, सैलड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग के लिए मत यूज़ कीजिए। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ऑयल्स में आपको कुछ चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो ये कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुकिंग के लिए अगर कोई भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो स्मोक पॉइंट ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो आपको वो ऑयल फ़ायदा नहीं करेगा, आपको डीनेचर हो जाएगा ऑयल और आपको प्रॉब्लम्स करेगा। रिफाइंड और नॉन रिफाइंड ऑयल्स में डेफिनेटली अनरिफाइंड ऑयल्स थोड़े बेटर हैं। बटर मार्जिन बिल्कुल ख़राब है, वो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अनरिफाइंड ऑयल्स थोड़े बेटर हैं क्योंकि उसमें केमिकल्स कंपेरेटिवली यूज़ नहीं होते हैं और उसमें नेचुरल प्रॉपर्टीज़ बेटर प्रिजर्व रहती है, लेकिन वो ऑयल्स डीनेचर जल्दी हो जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ उतनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तक उनको अगर आपको यूज़ करना है बार बार तो रिफाइंड ऑयल्स बेटर रहेंगे एज़ कम्पेयर टू अनरिफाइंड ऑयल्स। तो कुकिंग के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और बाकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसका आपको ध्यान रखना है। पर एक चीज़ मान के चलिए कि कुकिंग के लिए जो यूज़ हो रहा है और बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज़ हो रहा है उसमें वैसे भी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ उतनी नहीं बचती हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट वाली प्रॉपर्टीज़ का उतना ज़्यादा आई थिंक कुकिंग ऑयल्स में बहुत ज़्यादा रोल नहीं है।
मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको जगह जगह डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछना नहीं पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, ताकि आप उसे समझ सकें, समझा सकें, लाइफ में यूज़ कर सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस या फ्यूचर में आप चाहते हैं कोई टॉपिक्स को हम अपने चैनल पर कवर करें, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम फ्यूचर में उन टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर करने का ट्राई करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा, और डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कुछ आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर इंग्लिश भाषा में इस चैनल को कंटेंट को देखना चाहते हैं, या उनके कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो इंटरनेशनली रहते हैं, इंग्लिश भाषा में को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए ये कंटेंट इंग्लिश में अवेलेबल है। डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश चैनल हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो उसमें उनको ये कंटेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।